Ramana and you are watching 99.9 Engineering Station. So student, first of all tell me how are you and how your preparation is going on. So as you all know that I am also going to appear in the GATE 2022 exam. So aap jante hain ki main kyun GATE qualify karna chahti hoon ye wala session ka 2022 ka. तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ. मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस स्ट्रेटजी से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, वो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन उसको मैं फॉलो कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, प्रिपरेशन कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपको भी कोई बेनिफिट मिले, आपको भी मोटिवेशन मिले. होता है ना कि सेल्फ स्टडी में अगर आप करते हैं तो आपको मोटिवेशन नहीं मिल पाता, क्योंकि कोरोना का जैसे सीज़न चल रहा है, कोरोना की वजह से हम ग्रुप स्टडी नहीं कर पाते, हम कोचिंग नहीं जा पाते, ऑनलाइन स्टडीज़ में हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, डीमोटिवेशन हो जाता है. तो उस चीज़ को बूस्टअप करने के लिए मैंने ये आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर करने वाली हूँ. आप चाहते हैं तो आप भी मुझे मैसेज के थ्रू अपनी फीलिंग को शेयर कर सकते हैं, ठीक है. तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अप्रैल और मई मंथ में क्या क्या चीज़ें कवर कर ली, मतलब कि टिल मई मैंने कितनी सारी चीज़ें, कितने सिलेबस कवर कर लिया है अकॉर्डिंग टू गेट 2022 के लिए. तो आप कह सकते हैं कि मैं ब्रीफली आपको रिव्यू देने वाली हूँ मई मंथ का और अप्रैल मंथ का, और टिल मैंने जो अभी तक सिलेबस कवर किया, और मैं फ्यूचर यानी कि जून में नेक्स्ट मंथ के लिए मेरी क्या प्लानिंग होगी, मैं कौन सा सब्जेक्ट कवर करने वाली हूँ, ठीक है. तो यहाँ मैंने टॉपिक लिखा है, एज यू कैन सी दैट द रिव्यू ऑफ मई मंथ और प्रोग्रेस टिल मई मंथ, और यू कैन से ऑल्सो से दैट सिलेबस कंप्लीशन टिल मई, ठीक है. तो जैसे कि आप बात करें कि अप्रैल में, जैसे कि मैंने आपको शेयर भी किया था कि मैंने अप्रैल में प्रोसेस कैलकुलेशन स्टार्ट किया था, ठीक है. प्रोसेस कैलकुलेशन के साथ मैंने मैकेनिकल ऑपरेशन भी स्टार्ट किया था, मैकेनिकल ऑपरेशन, ठीक है. तो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी कि मैकेनिकल ऑपरेशन मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, साथ में प्लस PYQ भी कंप्लीट हो चुके हैं मेरे. मैंने मैकेनिकल ऑपरेशन से इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं वो छोटे छोटे हैं, तो अगर आप अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा लंबा सिलेबस ना कवर करना पड़े, जैसे CRE हो गया या मास्टर्स हो गई, ये सारी चीज़ें बहुत लंबे लंबे सिलेबस है. तो मैंने छोटे सब्जेक्ट से स्टार्ट किया ताकि मेरी कंटिन्यूटी मेंटेन हो जाए, उसके बाद मैं बड़े सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी, ठीक है. तो मैं मैकेनिकल ऑपरेशन की बात करूँ तो मैंने कंप्लीट कर लिया है. इसके नॉर्मल क्वेश्चन जो होते हैं वो तो मैंने ज़्यादा नहीं किए, लेकिन प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मैंने इसके कवर कर लिए हैं. सिलेबस कंप्लीट है, मुझे सिर्फ इसका एक फॉर्मूला शीट बनाना है. फॉर्मूला शीट अभी मेरे पास हाफ कंप्लीट है, लेकिन मैंने पूरा कंप्लीट रफली कंप्लीट कर लिया, लेकिन मैंने अभी पूरी तरीके से उसको कवर नहीं किया. प्लस मैं प्रोसेस कैलकुलेशन की बात करूँ तो मैंने इसमें इंट्रो, पूरा जो इंट्रो वाला इंट्रोडक्शन जो होता है सब्जेक्ट का, वो कवर कर लिया है. साथ में मटेरियल बैलेंस विथ और विदाउट केमिकल रिएक्शंस, ये कवर हो चुका है. केमिकल रिएक्शन ये कवर हो गया है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए हैं, इतना पार्ट इसका हो गया. अभी इसका एनर्जी बैलेंस और ये सब क्रिस्टलाइजेशन, ये चीज़ इसमें प्रोसेस कैलकुलेशन में रिमेनिंग है, क्योंकि उस टाइम पे कुछ ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो मेरा को थोड़ा सा प्रोसेस कैलकुलेशन में से मेरा मन हट गया, तो मैंने मैकेनिकल ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था. तो ठीक है, तो प्रोसेस कैलकुलेशन में अभी मैंने इतना कवर किया, लेकिन मैं उसे आगे कंप्लीट कर लूँगी और साथ में उसके फॉर्मूला शीट और शॉर्ट नोट्स भी कंप्लीट कर लूँगी. तो जितना सिलेबस मैंने किया है उतने सिलेबस का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते जा रही हूँ. ये ऐसा नहीं कर रही हूँ कि मैं पहले सिलेबस ख़त्म करूँ और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करूँ. तो ये मेरा पूरा अप्रैल मंथ में मैंने ये किया, जब मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं कर सकती हूँ और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, एज यू ऑल नो दैट आई एम मैरिड एंड आई एम ऑल्सो अ मदर ऑफ वन सन, और मैं कंबाइंड फैमिली में अभी रिसेंटली रह रही हूँ, तो मुझे अपने लिए टाइम निकालना स्टडीज़ के लिए 5 to 6 hours भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है. इस चीज़ में इसको निकालने के लिए मैंने इतना कर लिया, उसके लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया, ठीक है. अब इसके बाद अप्रैल के बाद जब मेरे को मई में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया तो मैंने और सब्जेक्ट स्टार्ट किए, जैसे कि मास ट्रांसफ़र
और हीट ट्रांसफ़र। देखिए आपने दोनों मेरे सब्जेक्ट सिलेक्शन का देखिएगा कि मैंने एक जो है मास ट्रांसफ़र से बच्चे बहुत डरते हैं, एक ऐसा सब्जेक्ट लिया जो कि हम बहुत उसको टालते रहते हैं मास ट्रांसफ़र को। और हीट ट्रांसफ़र आप जानते हैं एज़ कम्पेयर टू केमिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में हीट ट्रांसफ़र आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को ईजी लगती है। तो उस तरीके से मैं भी आपकी तरह ही हूँ, तो मैंने एक हीट ट्रांसफ़र स्टार्ट किया, एक मास ट्रांसफ़र स्टार्ट किया। तो मास ट्रांसफ़र मैंने इंट्रो पूरा, उसका इंट्रो कैसे नोटिफिकेशन वगैरह होते हैं, इंट्रो डिफ्यूज़न प्लस और क्या कर लिया, ह्यूमिडिफिकेशन प्लस ड्राइंग प्लस एड्सॉर्प्शन कंप्लीट कर लिया है विथ PYQ। ठीक है, ये मेरा पूरा मास ट्रांसफ़र कंप्लीट हो चुका है। इसमें अभी मुझे डिस्टिलेशन करना है, डिस्टिलेशन करना है, एड्सॉर्प्शन करना है, एक्सट्रैक्शन करना है, ये तीन चीज़ बची है, प्लस कौन सा न्यूली एडेड टॉपिक इसमें कवर करना है। ठीक है, मास ट्रांसफ़र में मुझे ये कवर करना है, मोस्ट प्रोबेबली अभी 10-15 दिन में मैं वो कवर कर लूँगी। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र की बात करें तो इसमें भी बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन मैंने कर लिया है, प्लस इसमें कंडक्शन पूरा बहुत ही अच्छे से, कंडक्शन टॉपिक जो है मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र कंडक्शन के साथ PYQ प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया मेरे मई मंथ में। ठीक है, अभी मुझे करना है इसमें कन्वेक्शन, फिर उसके बाद रेडिएशन और जो भी उसके साथ टॉपिक होंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए, प्रोसेस कैलकुलेशन, मैकेनिकल ऑपरेशन, मास ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र। साथ में मैंने CRE भी बीच में स्टार्ट की थी। CRE का मैं फर्स्ट चैप्टर कर पाई थी और मैंने मैथ्स भी स्टार्ट किया था। मैथ्स मैंने सोचा था कि मैं पूरे जितने भी महीने हैं मैं कंटिन्यूसली मैं मैथ्स और एप्टी लेके चलूँगी। ठीक है, तो मैथ्स मैंने कैलकुलस के कंसेप्ट कवर कर लिए हैं। लेकिन क्या हो रहा था कि इतने ये दोनों के साथ रिवीजन करने के साथ मैं मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पा रही थी, लेकिन मैंने कंसेप्ट कैलकुलस के सारे पढ़ लिए थे। तो मैंने ये सोचा है कि मैं दो दो सब्जेक्ट लेके चलूँगी, चाहे मेरा वो पूरे सब्जेक्ट कंप्लीट हो पाए या ना हो पाए, लेकिन ऐसा नहीं करूँगी कि सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए मैं अच्छे से ना पढ़ूँ। ठीक है, उसको पूरे टॉपिक को, हर चीज़ को टाइम ना दे सकूँ, अच्छा कंसेप्ट ना कर सकूँ। तो CRE में मैंने फर्स्ट चैप्टर किया है, ये मैंने शुरू किया था लेकिन फिर मैं रुक गई थी, क्योंकि एक साथ एक मंथ में चार सब्जेक्ट लेके चलना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। अगर आप सिर्फ वैट के प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए इजी है। ठीक है, लेकिन अगर आप आपके पास एक्स्ट्रा काम है, एक्स्ट्रा हर चीज़ है, तो उसके साथ आप चार सब्जेक्ट लेके अगर चल पा रहे हैं तो हैट्स ऑफ यू। लेकिन मेरे साथ जो अलग, सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो उस हिसाब से मैंने मैथ्स को अभी ब्रेक किया है, CRE को भी अभी ब्रेक किया है, लेकिन मैं CRE जून से स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि ये मेरा मास ट्रांसफ़र, मैं 10 दिन के अप्रॉक्स में इसको फिनिश कर दूंगी मास ट्रांसफ़र को। तो ये फिर CRE में स्टार्ट कर दूंगी और मैथ्स चलेगा, मैथ्स के CRE के साथ मैं फ्लूड भी स्टार्ट कर दूंगी। तो ये जून का मेरा प्रोसेस होगा। तो अभी ये है, तो इसके बाद मैं जून में एक तो मैं ये करूंगी कि ये चारों सब्जेक्ट का रिविज़न करूंगी, साथ में इनके शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट फॉर्मूले भी बना लूंगी, ताकि मुझे रिविज़न करने में अच्छे से वो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और आप जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में क्या होता है कि हम ना बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं, इसलिए बहुत स्लोली अभी हमारे पास टाइम है, लेकिन इतना भी टाइम नहीं है कि अगर आपने अभी शुरू नहीं किया तो प्लीज़ अब जून आ गया, अब तो शुरू कर दो, क्योंकि अगर आपको टॉप 100 टॉप 10 में रैंक लाना है तो आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। कई लोग का सवेरा, जो कई लोग नहीं कहूँगी मैं, मैंने कई बार गेट पहले भी दिए हैं, तो मेरा सवेरा तो फॉर्म निकलने के बाद होता था, तो उसके बाद कई लोगों का एडमिट कार्ड करने निकलने के बाद भी प्रिपरेशन होते, तो ऐसा भी होता है, लेकिन ठीक है, अभी तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है। इस अकॉर्डिंग ये मेरे जून का, मई का प्रोग्रेस रिपोर्ट था, टिल मई प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो ये है, आपके सामने मैंने शेयर कर दिया। मैं जो जून में क्या करने वाली हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और जून फिनिश होने के बाद मैं अपना प्रोग्रेस वो भी बताऊंगी।
एक टिप मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगी, अगर आप सीरियस हैं स्टडी को लेके, ठीक है, तो पहले जब मैंने अप्रैल मई में जब स्टार्ट किया था ना, तो क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं अपने हिसाब से टॉपिक पढ़ती थी, उस हिसाब से मैं करती थी। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप में कंटिन्यूटी हो, और कंटिन्यूटी लाने के लिए आपको क्या करना होगा, कोई ना किसी ना किसी को फॉलो ज़रूर करना पड़ेगा। तो जो भी है स्टडी आपने, मैंने बुक पढ़ रखी है, लेकिन क्या गेट प्रोस्पेक्टिव से कितने कैसे कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछता है उसके गाइडेंस हमें ज़रूरी है। तो आप किसी ना किसी फैकल्टी को फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, या अपने कॉलेज के किसी फैकल्टी को, या अभी मैंने वीडियोस डालना बंद कर दिए हैं लेकिन फिर भी आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे अनअकैडमी की फैकल्टीज़ हैं जैसे सब आप जानते हैं, और साथ में गेट अकेडमी, मेड इजी, EII, ये सारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, उसको आप फॉलो करके, उनके वीडियो लेक्चर्स फॉलो करके, उनके साथ प्रिपरेशन करेंगे ना, तो उसका मज़ा अलग होता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, ये हीट ट्रांसफ़र के लिए मेरे हीट ट्रांसफ़र कंसेप्ट क्लियर थे, लेकिन हीट ट्रांसफ़र अनअकैडमी के टीचर हैं योगेश त्यागी सर, मैं उनको फॉलो कर रही हूँ, और मतलब इतनी मेरी आदत हो गई है कि पर डे एक बार उनको सुना नहीं, उनको एक बार उनकी लेक्चर नहीं सुना तो ऐसा लगता है जैसे इनकम्प्लीट सा कुछ छूट गया, वो आगे निकल गए, मेरा सिलेबस छूट गया। तो इस तरह की बॉन्डिंग अगर आप में आ जाएगी ना, कि आप पर डे आप इतनी मेहनत करेंगे, तब आपको फील होगा, आपको लास्ट में डर लगेगा ही नहीं कि एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर नहीं भी होगा लेकिन आप इतना नॉलेज गेन कर लेंगे ना कि आपको अफसोस नहीं होगा कि ठीक है मैं अपने हिसाब से प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं फॉलो कर रही हूँ कई लोगों को। अगर आप फॉलो कर, आप चाहते हैं कि मैं शेयर करूँ आपके साथ कि मैं किस किस को फॉलो कर रही हूँ मेरे अकॉर्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये सारे रिव्यू मेरे अकॉर्डिंग मैंने उसमें प्रोग्रेस किया है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है तो वीडियो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए, घर में सेफ रहिए और ज़्यादा बाहर मत निकलिए, और हैप्पी स्टडी एंड हैप्पी डे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।